आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी का मुखिया कौन, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव। और लगातार हमारी जो चुनावी यात्रा है वो चलती जा रही है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हम गए और हमने जानने की कोशिश की कि आखिर उत्तर प्रदेश का इस बार का जो माहौल है वो क्या है, उत्तर प्रदेश की जनता इस बार क्या सोच रही है, कौन से वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर इस बार ईवीएम का बटन दबने वाला है, और कौन सी वो समस्याएं हैं जिन समस्याओं के निराकरण के लिए जनता परेशान रह गई है बीते 5 सालों में। इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार जो उत्तर प्रदेश की जनता है अलग अलग विधानसभाओं में उसने क्या मूड बनाया हुआ है। हम अपना सफर हमने नोएडा से शुरू किया था, नोएडा से होते हुए हम अलग अलग जिलों में गए और उसके बाद अब हमारी जो चुनावी यात्रा है वो आ पहुंची है गंगा जमुनी तहजीब के शहर फरुखाबाद में। फरुखाबाद वो जिला जो कि आलू और अल्पसंख्यक यानी 2A, ए फॉर आलू और ए फॉर अल्पसंख्यक, इसके लिए काफी मशहूर रहा है। कई ऐसे बड़े सीनियर लीडर रहे हैं जिन्होंने इस फरुखाबाद की जमीन से अपनी राजनीतिक शुरू की थी और उस राजनीति के जरिए उन्होंने देश में, प्रदेश में और इस जिले में बहुत कुछ बदलने की कोशिश भी की। बात करी जाए राम मनोहर लोहिया की, उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि ये है, वो यहां से सांसद भी थे और एक समय तक यहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी जो अभी उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करके विधानसभा चुनाव में कूदी है, वो भी यहां से काफी ताकतवर अपनी जो दावेदारी है वो पेश कर रही है। और इसके अलावा अगर बात करी जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के सलमान खुर्शीद यहीं के हैं, वो लगातार यहां से जनता के बीच जाते रहे हैं, जनता की समस्याएं सुनते रहे हैं और इस बार कांग्रेस को यहां की जनता कितनी पसंद कर रही है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 5 साल का कार्यकाल उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे कर लिए हैं। पहले चरण का मतदान आज उत्तर प्रदेश के करीब 58 विधानसभाओं में 11 जिलों में चल रहा है और इसके साथ ही वहीं से ये सारी जो रोड मैप है, सारी जो गणित है वो शुरू हो चुकी है कि अब हमें आगे की रणनीति कैसे तय करनी है, किसका पलड़ा भारी है इस पहले मतदान में, इस पहले चरण में। ये शाम तक पता चल जाएगा क्योंकि शाम तक ये आंकड़े, ये अनुमान निकल कर आ जाएंगे कि वोटिंग परसेंटेज के अनुसार कि आखिर वहां की जनता ने किस हिसाब से, किस मैंडेट पर वोट दिया है, किस राजनीतिक दल को ज्यादा पसंद किया है। लेकिन नतीजे तो 10 मार्च को ही आएंगे, लेकिन जो चुनावी गणित है वो अब फर्स्ट फेज के बाद सेकेंड फेज के जिलों में आना शुरू हो गया है। बात करी जाए उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद की, तो फरुखाबाद में कई सारे प्रमुख मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के यहाँ की जो जनता है वो लंबे समय से अपने नुमाइंदों को चुनती रही है। उनको ये लगा कि उनकी इन समस्याओं का हल जो है वो आसानी से हो जाएगा। AIM भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि मैंने अभी शुरुआत में ही कहा था कि यहाँ पर जो अल्पसंख्यक वोट है वो काफी अहम है और इसी वजह से AIM ने भी यहाँ पर चुनावी ताल जो है वो ठोकी हुई है। तो ऐसे में अब राजनीतिक तैयारी फरुखाबाद जिले के लिए कितनी अहम है, समाजवादी पार्टी अपनी खोई जमीन हासिल कर पाएगी, कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश में अपनी जगह बनाने में लगी हुई है प्रियंका गांधी के संकल्प पत्रों के जरिए, क्या वो सच हो पाएंगे, या BJP का जो मैनिफेस्टो आया है और 5 साल के कार्यकाल का काम जो है उस काम के जरिए उत्तर प्रदेश में BJP एक बार फिर से रिपीट करेगी। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बसपा का भी एक अच्छा वोट बैंक इस फरुखाबाद जिले में है। यहां पर BSP का क्या मैंडेट रहेगा, कितने विधायक जीत कर आएंगे, क्या रणनीतियां तय कर रही है मायावती आगे के जिलों के लिए, फरुखाबाद के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, फरुखाबाद की जनता की समस्याओं को कितना सुना गया है, कितना उस पर काम किया गया है और कौन कौन सी समस्याओं को अनसुना किया गया है, इन सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बीते 5 साल में BJP ने बेहतर काम किया और क्या आने वाले 5 सालों में अगर कोई दूसरा चेहरा इस विधानसभा, इस जिले से जीत कर आता है, प्रदेश में किसी और की सरकार बनती है तो वो किस तरह से यहां पर अपना काम करेगी। फिलहाल मैं अपने इस डिबेट को शुरू करूंगा, मेहमानों से आपको रूबरू कराता हूं। सबसे पहले हमारे साथ BJP से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुंजन अग्निहोत्री,
इसके अलावा आम आदमी पार्टी से लक्ष्मण सिंह हैं, समाजवादी पार्टी से राघव दत्त मिश्रा हैं, एआईएम से मयंक यादव हैं, स्वतंत्र इंडियन लेबर पार्टी से विक्रांत सिंह राणा हैं और बसपा से फजल मंसूर साहब हैं, मंसूरी साहब हैं। आप सभी मेहमानों का आज की हमारी इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा फरुखाबाद की कुछ जिला की जो जनता है वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या समस्याएं हैं, क्या रणनीतियां हैं, क्या आगे की जो चुनावी गणित है वो किस तरह से भिड़ाई जा रही है, किस तरह से जो बिसात है वो बिछाई जा रही है। और अब हम मेहमानों के पास आपको लेकर चलेंगे। सबसे पहले मैं चलूंगा समाजवादी पार्टी के पास, क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक पुराना गढ़ रहा है फरुखाबाद जिला। फरुखाबाद में 2017 का जो चुनाव हुआ उस चुनाव में फरुखाबाद की ये जो सीटें थी ये चारों की चारों भारतीय जनता पार्टी के पाले में चली गई थी। लेकिन अब आगे किस तरह से समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी कर रही है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव है, फरुखाबाद वो जिला जहां से समाजवादी पार्टी एक लंबे समय से जीतती आई थी, लेकिन 2017 में कुछ ऐसा हुआ उलटफेड़ जहां पर बीजेपी ने आप लोगों को बाहर कर दिया। इस बार की क्या रणनीति है, इस बार की क्या तैयारी है? अगर बात करी जाए आम जनता की, तो क्या 5 सालों में जनता का वो काम बेहतर हुआ जिसको लेकर के उन्होंने बीजेपी को चुना था, और क्या आने वाले 5 सालों में वो एक बार फिर से बीजेपी को चुन सकती है या वो आपके साथ आने को तैयार है? देखिए भारतीय जनता पार्टी के आप जिस काम की बात कर रहे हैं, मैं शुरुआत से आपको लेकर चलूं तो उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हुए उन्होंने बताया था कि 6 महीने में गड्ढा मुक्त प्रदेश हो जाएगा। ये सबसे पहला उनका काम था। उन्होंने कहा था 6 महीने में गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश हम दे देंगे, और 5 सालों में भी अगर गड्ढे मुक्त हो गए हो तो मैं अपनी राजनीतिक लाइफ से संन्यास ले लूंगा। अच्छा। उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त नहीं हुआ, ये पहला उनका वचन था जिस वचन पे वो कामयाब नहीं हुए। दूसरे वचन की बात करें आप, तो जो कन्याओं की, महिलाओं की सुरक्षा की बात वो करते थे, वो हाथरस कांड में जब एक लड़की को प्रशासन द्वारा जलाया जा रहा था, प्रशासन द्वारा उस अल्पसंख्यक समाज की लड़की को जलाया जा रहा था, तो उसी से साबित हो गया कि वो क्या स्थितियां पैदा कर रहे थे और क्या करेंगे। अच्छा, इस विषय में बात करें कि महंगाई पे हमें आना चाहिए, क्योंकि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। उन्होंने बातें बहुत बड़ी करी, आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी नेता थी स्मृति ईरानी जी, जिन्होंने उस समय के मौजूदा प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेंट करी थी जब सिलेंडर 350 रुपए का हुआ करता था। आज सिलेंडर 1000 रुपए का है, अब उनकी चूड़ियां कहाँ है क्या? इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आप किन बातों को लेकर इस बार चुनाव में आ रहे हैं, कौन से वो वादे हैं? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संकल्प पत्र जारी किया, आपका जो मैनिफेस्टो है चुनाव को लेकर के, वो उसमें आप लोगों ने कहा कि हम कई सारी चीजों पर सोच समझने के बाद इसको हमने बनाया है, लेकिन उसके थोड़ी देर पहले बीजेपी ने भी अपना जो उनका चुनावी मैनिफेस्टो था वो जारी किया है। दोनों के आकलन की अगर बात करी जाए तो आपको बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या कमियां दिखी, किन किन चीजों पर और बीजेपी को सोचना चाहिए था, या पिछला जो चुनाव था उसमें जो उन्होंने बनाया था अपना संकल्प पत्र, क्या उस पे काम हुआ? देखिए कथनी और करनी भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल अलग है, ये आपको पता होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, मुझे क्यों पता होना चाहिए, तो यहाँ की जनता बताएगी ना, मुझे जानना, मैं तो जानने आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जो पुराने वाले चुनाव में वादे किए थे आपने देखा हो, जब उनसे न्यूज चैनल के एंकर साहब ने पूछा कि आपने 15 लाख का जो वादा किया था उसका क्या हुआ, तो उन्होंने बताया ये तो एक जुमला था। तो उनका मैनिफेस्टो कैसे कहा जा सकता है, वो जुमला होगा या काम करने के लिए जनता के लिए कोई चीज होगी? भाई हम जो काम करते हैं तो हमारा एक स्लोगन है कि काम बोलता है। हम जितने मैनिफेस्टो लेके आए, चाहे 300 यूनिट बिजली हो, चाहे बच्चों के लिए रोजगार हो, चाहे युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश रोजगार से भरा हुआ हो, जितने भी माननीय अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो लगाए हैं मैनिफेस्टो, वो हम पूरे करेंगे। सिलेंडर केवल मेज रखने का काम नहीं होगा बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी के ऊपर कई सारे सवाल जो है वो समाजवादी पार्टी ने उठा दिए। भाई साहब अभी उन्होंने जो बातें कही कि आप लोगों ने ना तो रोजगार पर काम किया, ना तो महंगाई पर काम किया, किसान समस्याओं से भरा हुआ है, इस फरुखाबाद जिले में सड़कें नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, आप इन बातों को किस तरह से ले रहे हैं? आप लोगों ने काम क्यों नहीं किया बीते 5 सालों में? यहाँ की जनता पूछ रही है, समाजवादी पार्टी पूछ रही है, बाकी विपक्षी दल पूछ रहे हैं, क्या जवाब? पिछले 5 सालों से पहले जब सपा के यहाँ पे चारों विधायक हुआ करते थे, तब फरुखाबाद जिले के साथ बिल्कुल सौतेला व्यवहार किया जाता था। आसपास के जनपदों में जो इनके गृह जनपद होते थे वहाँ पर 24 घंटे लाइट आती थी, फरुखाबाद जिले में 15-15 घंटे लाइट मिलती थी। जब बच्चे पढ़ने के लिए शाम के वक्त बैठा करते रहे, क्या कह रहे भारतीय झूठ पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी कहा जा रहा है, ये
सपा के जो है कार्यकर्ता हैं, तो इनका जो है बनता ही बनता है कि ये जो है मेन मुद्दों पर बात ना करके, आम जनता की समस्याओं को ना सुन करके ये बस इस प्रकार के जो प्रोपोगंडा फैलाया करते हैं और जिससे जनता को भ्रमित करने का कार्य करते हैं। लेकिन पिछली 2017 में जब सरकार बनी तो जनता इनके कामों से इतनी असंतुष्ट थी, इतना परेशान थी, तो भारतीय जनता पार्टी की उसने फर्रुखाबाद विधानसभा में चार की चारों सीटें भारतीय जनता। इस बार क्या मिलेगा फर्रुखाबाद को अगर हमने आपको जिता दिया या यहाँ की जनता ने आपको जिता दिया, उत्तर प्रदेश में आप फिर रिपीट करते हैं तो क्या कर देंगे ऐसे? इस बार जो है सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए हैं उससे महिलाओं का विकास भी हुआ है। महिलाओं ने अपने कदम घर से बाहर रोजगार के लिए भी निकाले हैं, जो घर में उनके साथ बैठे रहने की वजह से या घर में ही कैद रहने की वजह से जो उनके साथ सलूक हुआ करते थे उनमें भी सारी कमियां आई हैं। देखिए अहम बात यह है कि मैंने अभी अभी जो शुरुआत में ये कहा था कि यहाँ पे जो अल्पसंख्यक वोट है वो बहुत अहम है और AIM भी इस बार यहाँ से अपनी जो चुनावी ताल है वो ठोक रही है। मयंक यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, AIM से पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मयंक भाई, सबसे चीज तो अहम ये है कि आप लोग उत्तर प्रदेश में राजनीति शुरू कर रहे हैं, राजनीति किस तरह से आप लोगों की चल रही है। दूसरी चीज, फर्रुखाबाद वो जिला जो कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, जो कभी अब बीजेपी का गढ़ रहा है, BSP भी यहाँ पर काफी अच्छी रही है, कांग्रेस ने भी बेहतर काम किया है, लेकिन जो मुस्लिम वोट बैंक है वो यहाँ पर तय कर देता है कि आखिर यहाँ से क्या रिजल्ट निकलना है। कितना सपोर्ट यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है जनता के बीच जब आप जा रहे हैं, क्या माहौल बन? पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि उत्तर प्रदेश में 143 सीट मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें निकली है। उसका जो प्रमुख कारण है वो ये है कि जब सपा ने वहां से मुस्लिम उतारा तो बसपा ने भी मुस्लिम उतार दिया और ये फैक्टर ऐसा कटा कि भाजपा चुनाव जीत गई, जिसका आंकड़ा मेरे पास में है। क्या आंकड़ा है, क्या लाए? ये है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 90,000 वोट मिलते हैं और सपा और बसपा के उम्मीदवार को टोटल मिला के 85,000 वोट मिलते हैं। अब आप लगा लीजिए कि दोनों पार्टियां मिलकर किसका नुकसान करती है, मुस्लिम समाज का वोट बैंक लेकर और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का सीधे तौर पे काम किया गया और इस बार भी ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं। और जैसे अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी ने ये बोला, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी ने बोला कि 5 साल पहले हमारी सरकार थी, तो मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी सरकार में कौन सी सड़क गड्ढा मुक्त हुई, पहले तो ये बता दीजिए। आपने कितने सवाल, ये सवाल आप किससे पूछ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से पूछ रहे? अच्छा, बाकी लोग भी तो यहाँ पे राजनीति करते आए हैं अपनी, बाकी लोगों का क्या मैंडेट रहा है, किस तरह से उनका अनुमान रहा है, क्या तरीका रहा है यहाँ पे राजनीति करने का? और अगर आप लोगों की बात करी जाए तो आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या अहम चीजें निकल कर सामने आ रही? देखिए, हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हमें जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। और जो मुस्लिम वोट है, दलित वोट है, शोषित वंचित समाज का जो वोट है, जिनका हमेशा उत्पीड़न हुआ है, वो भी हमें बहुत अच्छे तरीके से अपना रहा है और वो हमारे साथ आने को तैयार है। और ये 10 मार्च को पता चल जाएगा उत्तर प्रदेश के हर पार्टी को, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, उनको पता चल जाएगा कि MIM पार्टी का स्टैंड क्या है और MIM पार्टी कितनी सीटें जीत के लेकर आ रही है। क्या तरीका है, क्या तरीका वही है, क्या हिंदू मुस्लिम वाला वोट इस तरह का कुछ यहाँ पर है क्या? देखिए ऐसा है, हिंदू मुस्लिम का वोट करने के लिए तो BJP जानी जाती है। अभी इसका जो ताजा उदाहरण है, जो गुजरात के पिनारा गांव के अंदर दरगाह थी, उनको है ना इन्होंने है ना मंदिर कर दिया, RSS के लोगों ने उस पे कब्जा करके और वहां पर मंदिर का निर्माण कर दिया। गांव के लोग जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो पलायन करने को मजबूर हो गए और वहां का प्रशासन जो है वो ये कह रहा है कि आप यहाँ पर व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। आप ये बताइए, ये हिंदुस्तान जो है ये क्या अकेले हिंदुओं का देश है कि मुस्लिम का भी है? मेरे साथ आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं भाई साहब, ये बताइए, आप लोग तो उत्तर प्रदेश में नए हैं, फर्रुखाबाद यहाँ पर तो राजनीति बड़ी उथल पुथल सी रहती है, मुस्लिम जो है वो तय कर देता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर अब एक समय पर अच्छी बढ़त बनाई थी, वो लगातार जीत रहे थे, BJP ने पिछले चुनाव में पलट दिया सब कुछ। आप तो उत्तर प्रदेश में नए हैं, आप फर्रुखाबाद में कैसे अपनी जगह? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी न तो फर्रुखाबाद में नहीं है। अच्छा। और न देश में नहीं है। हाँ। बल्कि सबसे पुरानी, ये लोग तो कहते हैं ना, ये आपके बगल में आपके भाई खड़े हैं भाजपा वाले, ये इनका कहना काम ही है। सबसे पहले इन सबसे ये पूछ लीजिएगा कि फर्रुखाबाद में सबसे ज्यादा फसल उत्पादन कौन सी होती है? आलू होती है।
इन सबसे पूछ लिया जाए ना, इन दोनों से सबसे पूछ लिया जाए। मुख्य बात है कि पहले ये कह के आए थे कि आलू का कारखाना लगेगा, चिप्स बनेगा, चिप्स चला कहाँ गया पूछ लो सपा वालों से। फिर इसके बाद इनसे ये भी पूछा जाए कि यहाँ छपाई का हजारों रोजगार करने, दैनिक मजदूरी करने वाला छपाई वाला मजदूर कहाँ चला गया, इन्होंने कारखाने ही पलायन कर दिए, इन्होंने वहां बनाने के लिए टेक्सटाइल पार्क बनेगा नहीं बनाओ, छपाई भी बंद करा दी। अब आप दूसरी बात सुनिए, आप कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ही वो पार्टी है जो किसी के सहारे की जरूरत नहीं, वो केवल जनता के सहारे से चलती है। एक उदाहरण मैं और भी देना चाहूंगा, इन सभी पार्टियों ने दिल्ली से चोरी का जोर लगाया और भारत के हृदय इट मीन्स दिल्ली में हमारे माननीय केजरीवाल को हटा नहीं पाए। बात समझ रहे, हैट्रिक हो गई है। अब चिंता इस बात की है कि अब ये जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, मुंह दिखाएंगे कहाँ दिखाएंगे। यूपी का क्या रहेगा, यूपी का यह रहेगा कि यूपी का यह रहेगा कि हम अपनी जनता से जुड़े हुए हैं, जनता हमारे कामों को जानती है। अरविंद केजरीवाल ने जो रोजगार की गारंटी, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को पेंशन, जो भी व्यवस्था की, जुमला नहीं है उनका मैनिफेस्टो, आपका मैनिफेस्टो रचनात्मक है, प्रैक्टिकली है, और ये सब हवा हवाई है। अगली बात एक मिनट और सुन लीजिए आप, इस फरखाबाद का विकास अब होना नहीं इनसे किसी के, क्योंकि यहाँ के जो मुखिया प्रदेश के हैं वो नगरों के नाम बदलते रहे, कुशीनगर और इलाहाबाद का प्रयाग, लेकिन गंगा एक्सप्रेस वे जो फरखाबाद से जाना था उसे वो कहाँ ले गए, शाहजहांपुर ले गए। हमारा बीजेपी के यहाँ नेताओं से भी सहयोग निवेदन है कि गंगा एक्सप्रेस वे का नाम खन्ना एक्सप्रेस वे कर दें, जब वो खींच ले गए यहाँ के। मैं आऊंगा, बसपा से भी हमारे साथ जो पार्टी को रिप्रेजेंट करने आए हैं वो जुड़े हुए हैं। भाई साहब, सर आप लोग तो चार बार मुख्यमंत्री रही हैं, मायावती जी इस बार उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ ढीला ढाला सा लग रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो विपक्षी हैं जो आपके साथ खड़े हुए हैं आपके दोस्त लोग, वो ये कह रहे हैं और हमेशा कहते आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं मायावती तो घर से बाहर नहीं निकल रही, वो सिर्फ ट्वीट करके राजनीति कर रही है और उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रही है, पहली चीज। दूसरी चीज उनका ये कहना है कि मायावती जनता के बीच नहीं जा रही तो जनता की समस्याएं क्या समझेंगी, क्या उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, इसका जवाब दीजिए। और तीसरी चीज, क्योंकि गंगा एक्सप्रेस वे की बात हो रही है, क्योंकि आप लोगों की तरफ से कहा यह गया है कि यमुना एक्सप्रेस वे आपकी देन, आगरा एक्सप्रेस वे आपकी देन, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आपकी देन, अब बचा गंगा एक्सप्रेसवे, इसका भी जो कागज पत्र का काम हुआ था वो आपकी सरकार में हुआ था, तो ये फरुखाबाद को काहे छोड़ के चले गए भैया, आप लोग यहाँ क्यों नहीं गए? पहले तो आपने जो सवाल किया है कि हमारी बहन जी नहीं निकल रही है, आवाम कर रही है, शायद ये लोगों के चश्मा चढ़ा हुआ है, शायद ये मालूम नहीं बहुजन समाज पार्टी एक समाज पार्टी नहीं है, एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ साथ एक मूवमेंट है। इस मूवमेंट को मानवर काशीराम साहब ने बनाया और मूवमेंट कभी रुकता नहीं है, मूवमेंट हमेशा चलता रहता है, क्योंकि हम भाड़ नहीं है कि जब वक्त आया तो ढोल पीट लिया उसके बाद अपने जाके हम घर में दुबक्के बैठ गए। मान्या बहन जी का जो संगठन है, उनका दिशा निर्देश है, वो 365 दिन हम लोग काम करते हैं, और यही वजह है कि जो आज आपका फर्स्ट चरण का जो चुनाव हो रहा है वहां शाम तक, अभी आपने कहा ना आप नतीजे देख लेना कि वहां इंशाअल्लाह ताला हम सबसे ज्यादा सीटें लेकर आ रहे हैं। अच्छा। और रही बहन जी के बाहर निकलने की बात, बिल्कुल देखिए ऐसा है, अब राघव भाई हमारे छोटा भाई भी है और लाल टोपी लगाए हुए ये पहले से ही इंडिकेट कर रहे हैं कि हमें मत आने दो, अगर हम आ गए तो हम खतरे की घंटी है तुम्हारे लिए। ये अपने राघव मेरा छोटा भाई है, इसका पार्टिकुलर हम इससे बहुत हमदर्दी उनसियत रखते हैं। हमदर्दी काहे की है भाई, जो इसके सर पे टोपी है बेटा, जो टोपी है ये खतरे का इंडिकेशन है, और ये इंडिकेशन इस बात का है कि हम आ गए तो खाली प्लाट हमारा। अच्छा। जी मूर्तियां अगर हम ना बनवाते तो मेरा अंदाज है कि आप भी इतना चीख नहीं चिल्ला रहे, तो आप भी जाते हो दिल पे हाथ रख के देख लो, आप भी लखनऊ जाते होंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर पार्क वो छोड़ दीजिए, वो बात की बात है, गंगा मैं आ रहा हूँ, गंगा एक्सप्रेस वे वाली बात। अब आई गंगा एक्सप्रेस वे की बात, 100% एक बात आप सुन लीजिए, हमारी सरकार नहीं थी, ठीक है, और यकीन मानिए आप कि हमारी नेता कभी भी लिखत पढ़त पर भरोसा नहीं करती है,
कोई उनका मैनिफेस्टो नहीं होता है, उनके जबान से निकला हुआ हर वादा पत्थर की लकीर होता है मेरे भाई, और उन्होंने ये करके दिखाया। शायद आपको मैं बता दूं कि ये बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2007 से 2012 तक रही, आपके यहां पर 1200 मानवर काशीराम शहरी आवास योजना बैन जी ने बनाई, ये दे रहे हैं, ये किस हिसाब से दे रहे हैं, ये उसमें नाम देख लेते हैं, नाम पढ़ लेते हैं, उसमें सर समाज के लोग बसे हुए हैं, देख लो आप जाकर। बहन जी ने एक मिनट और सुन लो मेरे भाई, बहन जी ने यहाँ पर वो बनाया है, मेरा अंदाज किसी ने नहीं बना किया। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारी माँ बहने, मेरी माँ बहने बहुत हिफाजत से निकलती है, दे लेने दीजिए, देंगे। देखिए ऐसा है, जो इनके सदर मोहतरम है उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, इसलिए नहीं कह सकता हूं कि मैं बस जबानी करना हमारी नेता ने कभी नहीं सिखाया, बड़ों का एहतराम मेरी नेता ने सिखाया, लेकिन इतना जरूर है जहां ये जाएंगे हमें भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये गलत है कि भारतीय जनता पार्टी, ये हमें मतलब ये हमें मालूम है कि हमें कैसे न, हम राष्ट्रीय दल के हैं, ये प्री प्लांड आते हैं, अब क्यों आते हैं ये इनसे पूछ लो। अपने अपने सवाल आप लोग रखिएगा, मैं सबके पास आऊंगा। हमारे साथ इंडियन स्वतंत्र इंडियन लेबर पार्टी से जुड़े हुए हैं विक्रांत सिंह राणा साहब। विक्रांत भाई, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, आप लोगों की क्या रणनीति देखने को मिल रही है? क्या 5 सालों में जो सरकार रही है उसने बेहतर काम किया, या इस बार यहाँ का मूड कुछ और चेंज हो रहा है? क्योंकि मैं पूछ लूं, क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा बताया जा रहा है, बत्ती का मुद्दा बताया जा रहा है, बिजली नहीं आ रही है, किसान परेशान है, आवारा पशुओं से किसान परेशान है, महंगाई हो गई, गंगा एक्सप्रेसवे से भी काफी लोग नाराज चल रहे हैं कि वो यहाँ तक नहीं आया। आप लोगों का क्या मत है, क्या रणनीति है, क्या तय किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जितना पूर्व में जो विकास किया था अन्य सरकारों ने, इसने विनाश कर दिया। किसने? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। ने और जितनी जमीनें कब्जा समाजवादी पार्टी में नहीं हुई थी, उससे ज्यादा जमीनें कब्जा जो है भारतीय जनता पार्टी में हुई है। मतलब आदमी आत्मदाह कर रहा है, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो यहाँ डीएम कार्यालय में हो, सुनने वाला कोई नहीं है। आदमी सिर्फ आवाज उठा रहा है कि मुझे मदद चाहिए, तो नेता कह देता है कि मेरी तो चलती नहीं है। अरे तुम्हारी चलती नहीं है तो वोट क्यों लेते हो? वोट नहीं लेना चाहिए। और पूरे प्रदेश को नहीं, पूरे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को शराबी नशेड़ी बना दिया है। हमारे बेटे शिक्षा के आधार पर, आधुनिकता के आधार पर और आर्थिक आधार पर आगे बढ़ सकते हैं, देश की अर्थव्यवस्था चला सकते हैं, लेकिन ये लोग शराबी नशेड़ी बनाकर चलाते हैं। और हर बेटी परेशान है, कोई भी रोड पे घूम रही है बेटी, क्यों परेशान कि हमारे बेटे शराबी नशेड़ी। इससे अच्छा कौन था? इनसे अच्छा तो समाजवादी पार्टी थी, और उससे भी अच्छी मायावती थी। आज हम अपनी पार्टी बनाकर स्वतंत्र इंडियन लेबर पार्टी के रूप में आए हैं, तो हमारा उद्देश्य है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये शराब नशा पर मुद्दे पर क्यों नहीं बोलती? आज गुजरात बंद है, बिहार बंद है, पूरे देश में क्यों नहीं बंद होती है? ये नशे का व्यापार क्यों चल रहा है? ये दवा थी तो ये दवा रहनी चाहिए। हमारा बेटा जो है शराबी नशेड़ी नहीं बनेगा, अपराधी नहीं बनेगा। ये लोग समाजवादी पार्टी में भट्टियां लग जाती थी, शराब बनाने की भट्टियां लगती थी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फैक्ट्रियां लग रही हैं बहुत, और हजारों लोग मारे जा चुके हैं अभी तक, और सैकड़ों की तादाद में एक एक जिले में मारे गए हैं। इस बार फर्रुखाबाद का मूड क्या है, जनता क्या सोच रही, दिमाग में क्या चल रहा है? फर्रुखाबाद में मूड क्या चल रहा है, जनता क्या सोच रही? फर्रुखाबाद की जनता से यहाँ पर ये कहना चाहेंगे, बहरहाल मूड किसी का भी कुछ भी हो, धर्म के आधार पर, जाति आधार पर वोटिंग करती है, उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ना ऊपर का नेतृत्व देखना चाहिए, अपने जनप्रतिनिधि को देखना चाहिए, यहाँ पर किसे चुन रही है जो आपकी आवाज उठा सके। और जिस प्रकार ये लोग वोटिंग कर रहे हैं, हम कहना चाहेंगे 50% महिला वोटर, इन लोगों सबके विरोध में आना चाहिए, क्योंकि बेटा उसका है, शराबी नशेड़ी उसको बनाया जाता है, तो हमारा बेटा शराबी नशेड़ी बनकर क्यों देश की अर्थव्यवस्था चलाए? भारतीय जनता पार्टी जैसे कह रही थी कि हमारे राज्य में विकास कार्य हुआ, तो मैं अभी आपको इसकी तरफ इंकित करा देता हूं। शमशाबाद में नगर पालिका के अंदर भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन है, और वहां पर सरकारी आवास के नाम पर उन लोगों को सरकारी आवास दिया गया जो पहले से ही पैसे वाले थे, गरीब लोगों को आवास नहीं दिया गया। ऐसे लोग मेरे पास में आए रोते हुए, जिनकी छतें टपक रही हैं, और आप कहते हैं कि विकास करा, कई गांव के अंदर सरकारी आवास के नाम पर सरकारी है ना जो घर थे वो भी नहीं दिए गए, और दूसरा लोगों के कोई काम नहीं हुए, सरकारी राशन नहीं दिया जा रहा, लोग त्रस्त हैं, लोग है ना परेशान होकर बैठे हुए हैं, और थाने के अंदर कोई रिपोर्ट लिखाने जाता है तो वहां पर उनकी बेइज्जती करके उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है, थाने को भी कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। हाँ,
मेरे पास में लोग आते हैं बोले कि यादव जी थाने का जो SHO है वो हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। यादव जी होकर के IIM में आ गए सपा के साथ क्यों? तो ऐसा है कि समाजवादी पार्टी के अंदर ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे यादव चले जाएंगे, सारे यादव नहीं जाएंगे। जो हकीकत की और जो ईमानदारी की बात करेगा, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है संविधान को मानने वाले हैं, संविधान की विचारधारा के ऊपर चलने वाले हैं। अरे ये लोग नहीं माने तो इनका प्रमाण पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ ये लोग मानते कि नहीं मानते? हमें इनका प्रमाण चाहिए ही नहीं, हमें इनका कदे प्रमाण नहीं चाहिए। और अभी इलेक्शन का आप देख लेना, जो समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है, और जो भाजपा ने सिंबल दिए हैं वो सपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। दोनों एक साथ मिलके इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। और रही बात ये जो कहते हैं कि भाई हम गरीब गरीब लोग हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, तो जो है ना हाथरस ये कासगंज के अंदर अल्ताफ का जो मामला हुआ था उस पर क्यों नहीं बोले भाई? ठीक है ना, और भी ऐसे मामले हुए, महिला उत्पीड़न हुई उस पर क्यों नहीं बोले? अच्छा आप विकास कर रहे हैं तो जनता आगे बढ़ के बोलनी चाहिए, नहीं ये काम हुआ है। आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हमने तो ये कराया वो कराया, क्या खाक कराया आपने? क्या जवाब? सब कुछ तो सुन लिया, सबसे तो बता दिया कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया भैया। थाने आप चला रहे हो, बिजली आ नहीं रही, किसान नाराज है, बेरोजगार नाराज है, क्या जवाब? ये सिर्फ और सिर्फ जनता को बहलाने फुसलाने और गुमराह करने के, जनता के बारे में बोल रहे, मैं जनता के पास जाऊंगा पूछूंगा कितनी बहली। ये जो है जब सपा सरकार रहती है तो ये अपने यहाँ पे जो है डांस कराया करते हैं, अपने यहाँ पर ले जा करके ये जो बढ़िया तरीके से जो है जनता के पैसे को बर्बादी किया करते हैं। बसपा की सरकार जब आती है तो ये जो है हाथी बनवा करके जनता के पैसे को बर्बाद करते हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार आती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी रही 5 साल, उसमें कभी भी ये देख करके ना तो सिलेंडर बांटे गए, ना ये देख करके ना तो नाम देख करके, ना तो जाति और समाज देख करके, ना तो सिलेंडर बांटे गए, ना राशन बांटा गया, ना कोविड की वैक्सीन लगाई गई। ठीक है, ये इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ जनता को फुसलाने बहलाने का ये प्रोपोगंडा होता है कि चुनाव के वक्त ही सिर्फ ये नजर आ, ये सब बहलाते फुसलाते आप लोग नहीं बहलाते? हम काम करके दिखाते, भोले हम काम करके दिखाते हैं, हम काम करके दिखाते हैं। एक सुसज्जित और एक साफ समाज की स्थापना हम लोग किया करते हैं। ठीक है, जो विधायकों ने 5 साल क्या काम करा अपने विधान, हमारे विधायकों ने 5 साल में फरुखाबाद जनता को, फरुखाबाद की जनता को, शब्दों पर प्रयोग, शब्दों का जो आकलन है वो सही उठाइए, सही शब्दों का प्रयोग करिए। फरुखाबाद की जनता को 3-3 फ्लाईओवर दिए, अंडरपास दिए, रोडें दी, ठीक है, लोहिया अस्पताल, कोई किसी से अभद्रता नहीं करेगा, शब्द अच्छे इस्तेमाल करिए भाई। आप लोग जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कृपया करके अपने अपने शब्दों पर देखिए कि क्या किसी के लिए क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। हाँ भाई साहब क्या कह रहे हैं? देखिए सबसे पहले मेरा कहना ये है, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवक्ता महोदय है अनुज है हमारा, लेकिन फिर भी अनुज को पार्टी में जिस राजनीतिक पार्टी की वो काम कर रहा है उसकी अच्छाइयां और बुराइयां पता होनी चाहिए। वो जैसा कि बता रहे हैं बसपा ने ये किया, सपा ने ये किया, बसपा में मैं अपनी बात रख दूं ना, बसपा में अभी इनकी बहन कुमारी मायावती जी ने अभी एक बहुत चर्चित बात को कहा कि जहां हमारा प्रत्याशी ना जीत रहा हो वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट कर दें। आप रुक जाइए, आपके पास इसके साक्ष्य हैं? नहीं है। अच्छा रुक जाइए महोदय। 2020 में वो बहुजन समाज पार्टी में नहीं थी, 2020 में वो बहुजन समाज पार्टी में नहीं थी, 2020 में वो बहुजन समाज पार्टी में नहीं थी, थी ना? कोई भी राजनीतिक दल किसी दूसरे राजनीतिक दल को अगर रिप्रेजेंटेटिव करता है तो इसका मतलब वो राष्ट्रीय दल नहीं चला रहा है, वो अपने घर की दुकान चला रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, कहाँ गई वो घटना मुक्त सरकार? आज हमारे मुख्यमंत्री, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो दलित नीचे जात से आते थे, तो आपके मुख्यमंत्री ने पूरा मुख्यमंत्री निवास धुलवाया था, आपने किस जात के लिए कहा? आप ये बता रहे हैं कि मुसलमान यहाँ पे ज्यादा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ इस फरुखाबाद में ब्राह्मण बाहुल्य भी है, और इन ब्राह्मणों के लिए इनने क्या कहा? जिन भगवान राम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी आज सरकार में बैठी हुई है, वहां अयोध्या में सरयू का ब्राह्मण सरयू नदी में जनेऊ पकड़ के कसम खा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आने देंगे। आप देखिएगा समाजवादी पार्टी 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के लाएगी जनता। ठीक है आम आदमी पार्टी, मैं आ रहा हूँ आम आदमी पार्टी से है, सब सुन लिया आपने। यहाँ पर विकास की बात नहीं हुई, यहाँ पर विकास की बात नहीं हुई, एक दूसरे की कमियां बताई गई, यहाँ पर
बेरोजगार की बात नहीं हुई, एक दूसरे के ऊपर लालचन आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि अगर भैया हम जीत गए तो हम ये कर देंगे। क्यों ऐसा है? आप लोग के पास आऊंगा, शांत रहिए कृपया आप लोग। केवल मैं ये बताना चाहूंगा, ये आजादी के बाद से जो भी पार्टियां रही हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, केवल आरोप प्रत्यारोप लगा करके, या हम कह सकते हैं एक कॉन्स्पिरेसी के तहत या षड्यंत्र के तहत ये राज्य करते रहे। और मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि इन पार्टियों ने जिसमें हाथ लगा दिया बर्बाद हो गए। जैसे किसी ने गाय की सुरक्षा की गारंटी ली, गाय आवारा हो गई, और गांव की सुरक्षा की बात कही, गांव में शराब का ठेका खुल गया। आगे बात ये भी कहूंगा, अगर जमुना में हाथ लगा दिया तो जमुना का पानी आचमन के लिए नहीं रहा, और गंगा की स्वच्छता की बात कही तो गंगा गायब हो गई। किसान की बात कही तो किसान को खाद नहीं मिल रही, लाइन में खड़ी है। ये विकास नहीं करेंगे, केवल विनाश की बात करते हैं। हमारी पार्टी ने गारंटी, रोजगार युवा गारंटी, महिला को, अविवाहित महिला को, युवाओं को, किसान को, सारी गारंटियां दी, और ऐसा भी नहीं किया है जो दिल्ली सरकार ने कहा है वो किया है। और इसी बेस पर हम इस बार भी सरकार को यह साबित करके दिखाएंगे कि आम आदमी पार्टी जो कहती है। ये लोग क्यों कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि आपके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है चुनाव। बिल्कुल सही प्रश्न किया, इसका जवाब है हमारे पास। इनकी पार्टियां मुख्यमंत्री इससे चुनती हैं, हमारा आदमी हमारे मुख्यमंत्री ये है, ये तय करेंगी मुख्यमंत्री कौन होगा। वहां जो सबसे अधिक पैसा देगा, जिसका सबसे अधिक वोट होगा, जिसकी छाती होगी, उसे टिकट दिया जाएगा। ठीक है। जैसे राघव जी ने, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात कही कि मुस्लिम समाज, तो शायद मैं बता देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी, आपकी समाजवादी पार्टी ने ऐसे प्रत्याशी को एक टिकट दिया जो बहुत अभी थोड़े ही दिनों भारतीय जनता पार्टी में थे, जिनका नाम सुनील सिंह है। उनके अल्फाज थे मुस्लिम समाज के लिए, धार्मिक अल्पसंख्यक के लोगों के लिए सही, कि उनकी जो माँ बहने बाबस्ता कब्रों में है, मतलब वो इंतकाल फरमा चुकी हैं, उनको निकाल कर उनके साथ जनाकारी की जाए, उनके साथ हमबस्तरी की जाए। बहुजन समाज पार्टी ऐसे लोगों को कभी पसंद नहीं करती, अगर पसंद करते हैं तो आदरणीय सम्मानित श्री अखिलेश यादव जी दे, और उन्हें टिकट देकर 19 में कैसे पसंद कर लिए थे आप? देखिए ऐसा होता है, हर चीज का एक परिस्थिति होती है, राजनीति के अंदर सब चीज संभव यथा संभव नहीं होती। अरे साहब, भारतीय जनता पार्टी के पास इस पास कुछ है ही नहीं। सिर्फ इन्हें अगर सत्ता मिल जाए तो ये अपने सबसे धुर विरोधी से भी हाथ मिला सकते हैं, गले लग सकते हैं। बसपा, सपा बसपा दोनों ठीक है यार, ये आपकी गलतफहमी है। भारतीय जनता पार्टी ये ख्वाब छोड़ दे। उन्होंने भी 17 के अंदर सपा के विधायकों को मिलाया, बसपा के विधायकों को। उनके पास तो वॉशिंग मशीन है ना, सब लोग कहते हैं, आप लोग कहते ऐसा है ना, इनके पास जाके देशभक्त हो जाते हैं, इनके पास जाके देशभक्त हो जाते हैं। मैथोलॉजी से हूँ, मुसलमान हूँ, मैं मुस्लिम बिलोंग करता हूँ। इन्होंने राम जन्मभूमि के नाम पर इतना घोटाला किया, लेकिन शायद आपको याद नहीं है, सारे हमारे हिंदू भाई भी खड़े हैं, ये नारा लगाते हैं सिर्फ जय श्री राम का, लेकिन शायद इनको ये नहीं मालूम कि श्री राम, अरे सुन लो, श्री राम जब तक अधूरे हैं जब तक सिया नहीं है, इसीलिए नारा होना चाहिए जय सिया राम, श्री राम नहीं होना चाहिए। ठीक है। राणा साहब, मैंने लगभग सबसे बात की, लेकिन जिन मुद्दों पर जवाब आपने दिया उस पर कोई भी जवाब देना नहीं चाहता है। विकास की बात हो गई हो, बेरोजगारी की बात हो गई हो, स्वास्थ्य की बात हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई है, इन सब चीजों पर कोई नहीं बोला। आपने शराबबंदी के लिए बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि शराबबंदी भी होनी चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन इन चीजों पर कोई क्यों नहीं बोल रहा है? देखिए, ये जितनी भी पार्टियां हैं अवसरवादी हैं, और अवसरवाद के आधार पर ये आपस में लड़ती हैं। देखिए, ये शांत रहिए, पहले सुन लीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ आप लोग के पास। जितनी भी पार्टियां अपने देश में, अगर नीतीश कुमार को छोड़ दें, तो ये सब अवसरवादी हैं और आपस में लड़ती हैं, जबकि जनता की मुख्य समस्याओं की कोई बात नहीं उठाना चाहता, चाहे जमीनों को लेकर हो जाए, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो जाए। 500 रुपए में आपको बेड मिल जाएगा, कहाँ पर होटल का कमरा, लेकिन आपका डॉक्टर को कमरा 5,000 में, मतलब बेड 5,000 का मिलेगा, उसकी बात कोई नहीं उठाएगा। कुल मिलाकर कहने का है, आपस में लड़ना,
और जनता को चाहिए कि ऐसी राजनीतिक पार्टियों का बहिष्कार कर दे जो आपके बेटों को शराबी नशेड़ी बनाए। तो विकल्प के रूप में तो किसी को चुनना, विकल्प के रूप में क्रांतिकारी आएंगे। क्योंकि जिस समय अंग्रेजों का राज था अपने देश में तो क्रांतिकारियों के पास ना तो संसाधन थे, ना ही पैसा था, ना ही ब्रिटिश साम्राज्य की तरह सेना थी, ना पुलिस थी और ना ही संगठन थे, लेकिन उनके पास एक जनक्रांति थी। और ये जनक्रांति आएगी तो निश्चित रूप से सबसे पहले शराब नशा हटना चाहिए, तभी हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल है, नहीं तो हम लोग गुलामी की तरफ जा रहे हैं। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी रुपया बांटती है देश को बेच बेच कर, ये देश इनने नहीं बनाया, ये देश क्रांतिकारियों ने बनाया था और इन्होंने देश बेच बेच के जो है लोगों को भिखारी बना रही है, सरकारी भिखारी बना दिया, तो इसका कड़ा विरोध करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ये कहता है कि अपने आदर्शों पे, हम अपने काम पे, हम अपने पुराने सिस्टम पे चलते चले आ रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी आज क्या है? जिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सीट के कारण अपनी सरकार गिरा दी थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे वो है जिसमें यहाँ पे एक नेता थे जो कहते थे बिस्की में राम बसे, रम में बसे हनुमान, और उसे भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया, क्या फिल्टर कर दिया? रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस की नेता थी, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया, क्या फिल्टर कर दिया? अब ये एक एक सरकार के लिए अपने आचरण को, अपनी सभ्यता को गिराते चले जा, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल वोटर ब्राह्मण हुआ करता था, अब वो समाजवादी पार्टी में 2000 में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। ठीक है, अब हम चलेंगे जो फर्रुखाबाद की ये जो जनता यहाँ पर इकट्ठा हुई है हमारी डिबेट को देखने के लिए, जनता के सवालात जानने की कोशिश करेंगे, उनके मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे और उनके नेताओं ने जिन बातों को कहा है वो इन बातों से कितना सहमत है वो जानने के लिए। दूसरी चीज हम ये भी जानेंगे कि आखिर इस फर्रुखाबाद की जो जनता है उसका मूड क्या है, उसकी समस्याएं क्या है, वो किस चीज से नाराज है, क्या दिक्कतें हैं उसको, उन सबको जानने के लिए अब हम चलते हैं यहाँ पर मौजूद जो जनता है उसके पास, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और जनता वोट करेगी तभी नेताजी जीतेंगे। आइए सर, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, चुनाव को देखते हुए फर्रुखाबाद की बात करी जाए तो क्या रणनीति इस बार यहाँ पर जनता की है और आप लोग क्या नाराज हैं किसी बात को लेकर? ऐसा है, आज की तारीख में जो चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश का, हर शख्स जो 18 साल से ऊपर है वो सब परेशान हाल है और आज की तारीख में जो हम लोगों ने असेसमेंट किया है जनता का, वो लॉ एंड ऑर्डर वाली हुकूमत को माननीय बहन कुमारी मायावती जी जैसा नेता चाहती है। अच्छा। और आज की तारीख में फर्रुखाबाद में चुनाव चिन्हाती बहन कुमारी मायावती जी, बीजेपी कह रही है हमारा लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेहतर रहा है। भाई उनका लॉ एंड ऑर्डर जनता देख रही है और वो अपना 20 तारीख को यहाँ पर चुनाव है, वो वोट दे के ये बता देगी कि लॉ एंड ऑर्डर बहन कुमारी मायावती जी का अच्छा था। गलत इस्तेमाल किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर बुलडोजर चलवाएं और प्लस अगर आप आज के टाइम में देख लीजिए बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे, इस पर कोई बात नहीं हो रही है, गड्ढा मुक्त इन्होंने बोला था जब ये पार्टी में आते, आज आप पूरा फर्रुखाबाद कहीं भी चली जाइए गड्ढे ही गड्ढे हैं, आप बाइक से जाइए आपकी बाइक ही खराब हो जाएगी। लोहिया अस्पताल की सड़कें टूटी पड़ी हैं, आप मानवतावादी सवाल है आप इससे लोग पूछिए, एक हॉस्पिटल जो मेडिकल एरिया है, मैं उतनी देर से बस अपनी इसी बात को रखना चाह रहा था, वो पूरी तरह से टूटी पड़ी है, अगर आज बैटरी रिक्शे सबसे ज्यादा चल रहे हैं वो हिलते हुए जब जाते हैं, सोचो आप मरीज वहां तक पहुंच नहीं पाता है, कोई हार्ट का पेशेंट है वो तो पहले ही मर जाता है, वो तो पहले ही मर जाता है, डॉक्टर की जरूरत ही नहीं, एम्बुलेंस पैदा हो रहे हैं, माता जो दर्द होता है जैसे पीड़ा होता है। ये सारे सवाल आप लोग सुनिएगा जरूर, आप लोग ये सारे सवाल सुनिएगा जरूर क्योंकि इन्हीं लोगों को आपको वोट देना है। पिछले 5 साल में सदर विधानसभा से यहाँ चारों विधायक बीजेपी के हैं, सांसद भी यहाँ के हैं, इतने नाकारा निकम्मे विधायक और सांसद हमें मिले हैं कि एक एक्सप्रेस वे आया था यहाँ पर फर्रुखाबाद में, वो दूसरे यहाँ से शहर में चला जाता, हमारे चारों विधायक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते। दूसरी चीज, ना तो यहाँ पर कोई सड़कें बनी है, 5 साल हमारे विधायक नजर नहीं आए सदर से, पूरे 5 साल में कोई 5 काम में बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, 5 काम के यहाँ बताए सदर में क्या करा बीजेपी विधायक, केवल 5 साल नजर नहीं आते, ना कोई सड़कों का निर्माण हुआ, ना किसी के हॉस्पिटल में कोई सुविधा, ना कोई रोजगार की व्यवस्था कुछ। ठीक है ठीक है, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आऊंगा सर, मैं आऊंगा एक एक करके जी। हेलो, इलेक्शन कमीशन ने आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है, किसी महानुभाव ने 80-20 को डिफाइन नहीं किया, व्हाट्स 80 एंड 20? क्योंकि इलेक्शन कमीशन इनकी पॉकेट में है, तो मैं ये जानना चाहता हूं
कि आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता दल का जो है प्रतिनिधि यहाँ खड़े हुए हैं वो डिफाइन करें, बताएं कि व्हाट्स 20 एंड 80। अगर इलेक्शन कमीशन उनकी पॉकेट में है जैसा कि आप कह रहे हैं तो पूरा इलेक्शन ही उनके पॉकेट में होगा, फिर कैसे जीतेंगे? नहीं, वो तो डेट्स उनके पास पहले पहुंच जाती हैं, इससे साबित होता है कि इलेक्शन कमीशन उनके, हो सकता है कि शायद वोट भी जो आपको पढ़ रहे हो कहीं और चले जाए जैसा कि आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन गलत है। नहीं नहीं, ये हम नहीं कह सकते हैं, ये अभी हम नहीं कह सकते, वो मशीन की बात होगी, उसकी अभी हम नहीं कहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं, पूरा देश ये जानना चाहता है कि 80 और 20 का मामला क्या है, वो डिफाइन करा दीजिए आप हमको यहाँ जी। पहला सवाल हमारे एएमआई के जो प्रतिनिधि हैं उनसे है कि पूरे प्रदेश में या पूरे देश में चुनाव लड़ने के लिए इनके पास फंडिंग कहाँ से आती है, कौन सी पार्टी ने फंड देती है? दूसरा, बहन मायावती जी जो बसपा के प्रतिनिधि को जवाब दें, उनके ऊपर ऐसा कौन सा दबाव है वो खुले हम आरोप मतलब कह रहे हैं भारतीय जनता मतलब सपा को हराने के लिए आप भाजपा को वोट करिए, क्या बसपा खत्म हो गई है? बयान तो पुराना है ना? नहीं, ताजा बयान है भाई साहब, ताजा बयान है, लगातार आ रहा है ये जी। अब चूंकि प्रश्न बनता है सत्ता पक्ष से, मैंने बचपन से सुना है कि कण कण में राम है, और ये लोग कहते हैं हम राम को लाए, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो जो कण कण व्याप्त है उसे ये कैसे ले आए? और धर्म के नाम पे जो 15 मिनट में जिस जमीन की कीमत कई गुनी हो गई, वो जो घोटाला हुआ है उस पर जांच समिति बैठाई गई या सीधे बुलडोजर से चल जाए? अच्छा, आपने सपा से कोई सवाल नहीं? नहीं, सपा तो सत्ता से बहुत दिनों से बाहर है, लेकिन सत्ता पक्ष जो है जी, तो नहीं नहीं, मैं किसी समर्थन नहीं हूँ। आप किसके समर्थन? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो बीजेपी और सपा से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, आप मेरे को बताइए बीजेपी ने जितनी भी वैकेंसी निकाली सारी है ना पेंडिंग की पेंडिंग, और इनके एक चीज बताइए जो भी भर्ती है ना अभी तक जितनी भी निकली वो हाई कोर्ट के अंदर अटकी पड़ी है। अब मेरे को बताओ रोजगार के ऊपर बात नहीं करते या खड्डे फड्डे और उसके लिए? मेरे को एक चीज बताओ, राम मंदिर से है ना रोजगार मिल जाएगा लोग युवाओं को जो बेचारे जो सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं उन पर लाठियां बरसा रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती बीजेपी वालों को? वहां पे मोदी जी बोलते हैं कि हमने 2 करोड़ राम के नाम पे दलाली हो रही है, 2 करोड़ जो युवाओं की नौकरी की दूर की बात है, इन्होंने 1 लाख भी है ना वैकेंसी है वो करी नहीं, अब मेरे को 18.5 करोड़ की हो जा रही है। क्यों नहीं बात करते हैं ये लोग? मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा था कि किसान की आय दुगनी होगी, मैं बता रहा हूँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इनकी जो लागत दुगनी तिगुनी चारगुनी पांचगुनी हो गई, इनके उत्पाद के दाम आधे रह गए, इनकी लागत नहीं निकल रही है, वही ये आप जवाब दे और ये जवाब दे। क्यों जवाब दूंगा कि इनकी जो है आय दुगनी कैसे हो जाए हो पाई? 5 साल हो गई लूटते रहे अभी तक ये। जनता के सवाल हो चुके हैं और अब हम वापस लौटते हैं अपने पैनलिस्ट के पास। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भैया आपको पैसा कहां से मिल रहा है, चुनाव कहां से लड़ना है, क्योंकि इन्होंने पूछा है। देखिए ऐसा है, हमारी पार्टी को अगर कोई जैसे भाई साहब ने बोला कि फंडिंग कहां से आ रही है, तो हमें जनता चुनाव लड़ा रही है, जो हमारे है ना पार्टी के वर्कर हैं, पदाधिकारी हैं, अपना खून पसीना एक करके पार्टी के अंदर फंडिंग करते हैं, ना कि हम किसी उद्योगपति या किसी है ना बिजनेसमैन से पैसा नहीं ले रहे हमें। और जो हमारी पार्टी के विधायक प्रतिनिधि चुन के आते हैं तो वो क्षेत्र में विकास कराते हैं और थोड़ा हमारी पार्टी के अंदर भी देते हैं, हमारे पास कहीं ऊपर से है ना खजाना नहीं आ रहा है। जैसे भाजपा के पास में बड़े बड़े उद्योगपति हैं, मुकेश अंबानी जैसे, अडानी जैसे, तो भैया इनके पास तो पैसों की कमी है नहीं। और दूसरा इनके पास में एक और चीज है, वो है गाय का नाम लेकर चंदा उगाही करते हैं माता माता बोल के, और माता को फिर बाद में रोड पे छोड़ देते हैं, माता रोड पे घूम रही है। अब ये इनसे पूछिए ये इनकी कैसी माँ है? इनका पहली चीज तो ये कि लोग कह रहे हैं कि आप लोग ने रोजगार के नाम पर कुछ नहीं दिया रोजगार। दूसरी चीज जी जी जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो बता रहे हैं कि रोजगार के ऊपर कोई काम नहीं किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 लाख रोजगार दिए कहाँ पे? ठीक है, पूरे इन लोगों को बताइए आप, पूरे देश भर में जिन लोगों को वो चीज बताइए, पूरे देश भर में यहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक काम नहीं होता है कि वो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता की पार्टी में एक काम नहीं होता है जिससे इन सभी को सबसे ज्यादा कष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए या जाति विशेष के लिए काम नहीं करती है, किसी समुदाय विशेष के लिए काम नहीं करती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है वो सभी को एक समान रूप से कार्य करती है, बस इसी बात का इनके ऊपर सबसे ज्यादा इन्हें कष्ट रहता है कि जब इनकी सरकार आती है तो एक विशेष जात को ये
फायदा पहुंचाते हैं। जब इनकी सर, मैं आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बांदा का स्टूडेंट हूँ, ज्ञान की बात करूंगा, विज्ञान की बात करूंगा, शिक्षा की बात करूंगा। सर मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था कीचड़ में कमल उगता है, इन्होंने पूरे फरकाबाद को कीचड़ बना दिया। हमें कीचड़ में कमल नहीं उगाना, कीचड़ को साफ करना है, बिल्कुल साफ करना है। हमें ये कीचड़ में कमल उगा के नहीं दिखाना की हमें कमल दिख रहा है। बात कर लेते हैं हम सभा भैया जी। सर इनका ये कहना है कि कीचड़ में कबल उगाना है। मैं इनसे सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि 2017 में जब योगी जी की सरकार आई, तब से लेकर के अभी तक फरुखाबाद जिले में 3 ओवरब्रिज बन चुके हैं, ठीक है, दो अंडरपास बन चुके हैं, ठीक है, उसके बाद में सड़कों का विकास हो रहा है, ठीक है, लेकिन इन लोगों का क्या है कि अगर आज उसका काम स्टार्ट हुआ है, अगर आज काम स्टार्ट हुआ है तो आज ही हो जाना चाहिए। और ये जो कह रहे हैं कहाँ बने हैं, इन भाई साहब को मैं एक पता नोट कराना चाहूंगा कि यहाँ से ये 5 रुपए सिर्फ टेम्पू वाले को देकर के भोलेपुर जा सकते हैं, और 15 रुपए ये 15 रुपए देकर के सुकरुल्लापुर ये जा सकते हैं, टेम्पू वाले को देकर सुकरुल्लापुर ये जा सकते हैं, ठीक है। दोनों ओवरब्रिजों पे बढ़िया काम चल रहा है। हाँ जी, हेलो, एक मिनट, हेलो, अगर 3 पुल बने होते तो प्राइम टीवी की टीम जाम में नहीं फंसी होती, बात समझ गए। आए दिन जाम लगता है, देखिए परसों का दैनिक जागरण देखिए, पेज नंबर 4 पे उसमें लिखा है कि एम्बुलेंस में नहीं, सुनिए बहुत जरूरी बात है, अगर ओवर ब्रिज बने होते तो परसों जागरण में पेज 4 पे छपा है कि एम्बुलेंस में परसों 8 बच्चों को जन्म दिया है, माताओं ने वो अस्पताल नहीं पहुंच पाई, जाम में फंस गई। 8 पुलों का निर्माण, सॉरी माफ कीजिएगा, 3 पुलों का निर्माण हुआ है बीजेपी सरकार में, कई सारे अंडरपास बने हैं फरुखाबाद में, बेहतर काम हुआ है, और फिर भी आप लोग कह रहे हैं कोई काम है नहीं हुआ है। ऐसा है, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को ये बताना चाहता हूँ, जिन अंडरपास और पुलों की वो बात कर रहे हैं वो हाथी दांत के समान है और कुछ भी नहीं है। देखिए जो भोलेपुर की वो बात कर रहे हैं कि 5 रुपए में टेम्पू ले जाएगा, इन्हें बताइए कि जनता बहुत जमीनी है, 5 रुपए में कोई टेम्पू नहीं ले जाता, लेकिन इन्हें पता नहीं, ये सब बड़े नेता हैं, पैरासूट वाले नेता हैं। और दूसरी बात कीजिए, भोलेपुर का पुल नहीं बना, दूसरी बात पे आ जाइए, अंडरपास की मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ये जान लें, थोड़ी सी बरसात होने पर वहां नाव की जरूरत पड़ती है, वहां इतना पानी भर जाता है कि वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। और मैं यह कहना चाहता हूं महोदय, एक बात सुन लीजिए, ये सब प्रवक्ता महोदय आए हैं, आप जानते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी किसके लिए काम कर रही है, AIAIM के लिए अगर बात कहूं तो इन्होंने बिहार में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने का काम किया, और आम आदमी पार्टी की बात मैं कहूं तो ये कुमार विश्वास के सगे नहीं हुए, पर ये सगे किसके होंगे। जैसे सपा प्रवक्ता जी ने बोला कि है ना, हमने बिहार में चुनाव लड़ा और भाजपा जीत गई, तो हम इनको ये बता देना चाह रहे हैं, 19 सीटों पर चुनाव लड़ा जिसके अंदर से 5 जीत के लेकर आए, और 5 जो जीती है उसमें से 3 बीजेपी को हराई है हम लोगों ने, और उसके पहले हमने कहा भैया गठबंधन में हमें शामिल कर लीजिए, हम भाजपा को बाहर फेंक करेंगे, तो हमें शामिल नहीं करते, तो खामियाजा भुगते वहां पर। और रही बात इधर भी यही है, इनको डर लग रहा, हमने इनको यहाँ पर भी यही कहा हमसे गठबंधन करें, 2%, 3%, 4% जिनकी औकात कुछ नहीं है उनको अपने दल में शामिल कर लिया, 22% वालों को बाहर कर दिया, और बाहर करने के बाद हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम लोकतंत्र है, हम इलेक्शन लड़ेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे, चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो। हम लास्ट में एक ही कहना चाहते हैं कि हमारी नेता का कहना है शिक्षा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, ये आवाम ने तान लिया है उत्तर प्रदेश की, इतना हम लास्ट में कहना चाहते हैं। आखिरी में मैं आपके पास आया हूँ जी, अब आगे की क्या रणनीति है इस फरुखाबाद की जनता की, आप लोगों की क्या रणनीति है और क्या लग रहा है, क्योंकि सबकी बातें आपने सुनी, आपकी बात मुझे सबसे अलग लगी, लेकिन जिन मुद्दों पर आपने बोला उस पर कोई नहीं बोल रहा। देखिए ऐसा है, जितनी भी बहुत है भारतीय जनता पार्टी, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ विवाद है हमारा, और कोई भी पार्टी आ जाए सब अफसरवादी हैं
और किसी की समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहती हैं और सिर्फ एक ही बात कहती हैं कि वहां पर जो है हम अपनी बुराई नहीं लेना चाहेंगे, जबकि जनताओं की जनता की समस्याएं बराबर बनी हुई है। कोई भी सरकार आई हो ये बात अलग है, कुछ विकास कार्यों में पिछली सरकारें अच्छी रही, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल है और भ्रष्टाचार चरम पर है, मतलब जिसकी सीमा ही नहीं है। और कोई भी अधिकारी हो चाहे कोई भी हो बगैर पैसे के बात नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को जनता को अपने विचारों निकाल देना चाहिए, धर्म और जाति की राजनीति खत्म करना चाहिए और मुख्य मुद्दा यही है कि हम अपने बेटे को शराबी नशेड़ी नहीं बनने देंगे। तो सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में उसको क्या सोचना जरूरी है? उसको सबसे पहले जो है अपने शराब नशा को सबसे पहले बंद करना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है युवाओं को शराबी नशेड़ी बना रहा है, अपराधी बना रहा है। रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है, रोजगार भी होने चाहिए, लेकिन रोजगार जिसको नहीं मिलता वो शराबी नशेड़ी बनता है और वो अपराध करता है। तो ऐसे लोगों के संग अपराध करता है जो कानून व्यवस्था पर पालन करते हैं, ईश्वर पर आस्था रखते हैं, वो लोग पीड़ित होते हैं। तो है हमारा बेटा ही और हमारी बेटियां भी उत्पीड़ित होती हैं। तो सबसे पहले मुद्दा है कि शराब नशा मुक्त विचारधारा होनी चाहिए और जनता को वोट करना चाहिए। हम एक अपनी पार्टी के स्वयं पहले प्रत्याशी हैं और हमें समर्थन हमें वोट देना चाहिए, हमें विचारों में लाना चाहिए। हम जिला फरुखाबाद में जो है अगर हमें वोट करती है तो निश्चित है पूरे देश में आवाज बनेंगे, ना कि अन्य पार्टियों को वोट करती है तो आवाज नहीं बन सकते। ठीक है। तो ये है फरुखाबाद का हाल, फरुखाबाद की समस्याएं, फरुखाबाद के नेता जिनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो बीती सरकार है उसने बेहतर काम नहीं किया और विपक्ष का कहना है कि जो मौजूदा सरकार है उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन इन सबके बीच में एक बहुत ही अहम मुद्दा निकलकर सामने आया है और वो मुद्दा है शराबबंदी को लेकर के, क्योंकि साफ तौर पर इस तरह के मुद्दे अभी तक इस पूरे यूपी इलेक्शन में निकलकर सामने नहीं आए, लेकिन फरुखाबाद में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि शराबबंदी होना जरूरी है। अब देखना ये होगा कि इस बार का ये चुनाव किस करवट बैठता है, फरुखाबाद जिसे चुनती है वो क्या मैंडेट लेकर सामने आता है, सरकार बनती है या नहीं बनती है किसी की, या फिर जिसकी भी सरकार बनती है वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ फरुखाबाद का बेहतर विकास करता है या नहीं करता, ये देखना अहम होगा। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, हम इसी तरह से अपनी चुनावी यात्रा को आगे बढ़ाते रहेंगे और अब हम अगला रुख करेंगे अगले जिले में, वहां से भी बताएंगे कि आखिर जो जनता की रणनीति है वो क्या है, जनता किसे इस बार चुनने वाली है। यूपी के मुखिया में आज के अंक में इतना ही, हमें दीजिए नमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।